नाउ नेक्स्ट वन, इस केस में मैंने एक्सप्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट केस ऑब्जर्व किए, जितने भी जावा केस में पॉसिबल केस रिलेटेड टू डेटा टाइप्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, यहाँ ओनली हाईलाइट किया ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, जहाँ भी मैंने अगर एट द रेट सिंबल यूज किया है, एट द रेट का मीनिंग क्या है, एट द रेट बिलोंग्स टू एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, इस एट द रेट के प्लेस पर आप कोई भी ऑपरेटर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जहाँ प्लस मार्क किया इसका मीनिंग क्या है, ओनली प्लस, क्लियर। स्ट्रिंग के भी कुछ केस एनालाइज करूंगा, स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग को जस्ट मैं डेटा टाइप के बाद इमीडिएटली का आपकी डेप्थ में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होगा, मोस्टली किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे मोस्ट ऑफ केस में स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन पूछे जाते हैं, तो स्ट्रिंग को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा एज अ डेटा टाइप और सेपरेट डेटा टाइप, तो इससे जस्ट पहले मैं फिनिश करूंगा, अभी सारे कॉन्सेप्ट फिनिश करने के बाद देन इसके जस्ट बाद 35 प्रोग्राम्स होंगे नियर अबाउट रिलेटेड टू डेटा टाइप, जो कि सारे के सारे प्रोग्राम कॉन्सेप्चुअल हैं, नॉट अ बेसिक्स। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम्स को फिनिश करने के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली प्रिपरेशन करा, जैसे प्रीवियस केस मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर दे तो सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन से जनरेट किया हुआ सम रिजल्ट, और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड किसकी, सम वेरिएबल्स, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या आइडेंटिफाई करोगे, क्लियर। तो टाइप इन कन्वेंशन के बेसिस पर आपके लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल, इसके बाद कोई भी एक सिंगल केस पॉसिबल नहीं है, जितने भी पॉसिबल केस हैं सारे के सारे केस मैंने डिस्क्राइब किया इस केस में। फर्स्ट वन अगेन, एट द रेट मीन्स एनी सिंबल एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, या मैंने क्वेश्चन मार्क मार्क किया है, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट, इस प्लेस पर आपको मेंशन क्या करना है, टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन और रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, जावा के केस में आपको चेक क्या करना है, मैक्स टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, मैक्स टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड और मैक्स टाइप ऑफ इंट, इन तीनों में से जिसका भी मैक्स टाइप होगा उसको मेंशन करेंगे एज टाइप ऑफ रिजल्ट। फर्स्ट केस बाइट एंड बाइट, बाइट और बाइट के केस में रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में आएगा, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, क्या बाइट बाइट प्लस एक और केस क्या एनालाइज करना आपको खुद से, सेल्फ एज अ इंटीजर, इन तीनों से मैक्स रेंज किसका, इंटीजर का, इसलिए मेंशन क्या करेंगे, इंटीजर। शॉर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट के साथ जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो उसका रिजल्ट भी किसमें होगा, ऑल्सो इंटीजर्स। सेम एज कैरेक्टर, कैरेक्टर्स के साथ अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करो, वैलिड ऑपरेशन है, कैरेक्टर मीन्स देयर आस्की वैल्यूज और यूनिकोड वैल्यूज, तो इसके इसमें रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीजर और इंटीजर का भी रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, ऑल्सो इंटीजर। लॉन्ग एंड लॉन्ग दोनों इसके इसमें रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, मीन्स हायर रेंज किसके साथ कंपेयर करना है इसका, ऑल्सो इंटीजर, लेकिन इंटीजर और लॉन्ग को कंपेयर करना, हायर रेंज किसका है, लॉन्ग का, इसलिए रिजल्ट किस फॉर्मेट में होगा, लॉन्ग के फॉर्मेट में। फ्लोट एंड फ्लोट, फ्लोट और फ्लोट के केस में रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएंगे, फ्लोट। देन डबल के केस में डबल, डबल याद रखना, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर डबल इन्वॉल्व है देन उसका रिजल्ट भी ऑलवेज किस फॉर्म में आएगा, डबल में, मीन्स इस प्लेस पर ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं एनी टाइप, डजंट मैटर। बाइट एंड शॉर्ट, बाइट और शॉर्ट को इसको अगेन कंपेयर किससे करें, वन मोर डेटा टाइप एज इंटीजर, इन तीनों में से हायर रेंज किसका, इंटीजर का, इसलिए मेंशन क्या करोगे, इंटीजर। देन बाइट एंड कैरेक्टर, इसके इसमें रिजल्ट्स किस फॉर्म में आएंगे, मीन्स इनमें से मैक्सिमम टाइप किसका, इंटीजर का, देन अगेन बाइट और इंटीजर का रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर। बाइट एंड लॉन्ग, इसके इसमें कंपेरिजन किससे होगा, इंटीजर बाइट एंड लॉन्ग, लेकिन इसमें से मैक्सिमम रेंज किसका, लॉन्ग का, इसलिए रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, लॉन्ग फॉर्मेट। बाइट एंड फ्लोट, मैक्स रेंज ऑफ फ्लोट, बाइट एंड डबल, रिजल्ट एज डबल, ऑलरेडी मैंशन किया था, अगर एक्सप्रेशन के अंदर एक भी ऑपरेंड डबल है देन रिजल्ट ऑलवेज किस फॉर्म में आएगा, डबल। नेक्स्ट वन, इन दैट केस शॉर्ट एंड केयर, रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर, अगेन इंट। शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग की किस में बात करें देन इसका रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में होगा, ऑल्सो लॉन्ग। शॉर्ट एंड फ्लोट की किस में बात करें तो फ्लोट, शॉर्ट एंड डबल, डबल। कैरेक्टर एंड इंटीजर की किस में रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर, अगेन लॉन्ग, इन दैट केस फ्लोट, देन डबल। इस आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ भी स्पेशल नहीं इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ये केस डिफरेंट होंगे। देन इंटीजर एंड लॉन्ग, रिजल्ट इज लॉन्ग, इंटीजर और फ्लोट के केस में रिजल्ट किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, फ्लोट के फॉर्मेट में, देन इंटीजर और डबल के केस में डबल।
float and double means again double. Last two cases in that case. इस केस में मैंने अप्लाई क्या किया बूलियन, बूलियन के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन इनवैलिड होंगे मींस कंपाइल टाइम एरर. बूलियन एंड इंटीजर इन दैट केस बूलियन को किसी भी मींस बूलियन के साथ आपके लिए कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं. सेकंड ऑपरेंड क्या डजंट मैटर कंपाइल टाइम एरर. क्लियर. इन सभी केस में मैंने एट द रेट यूज किया तो एट द रेट ब्लॉन्ग किसको कर रहा है सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर. लेकिन इस केस में मैंने डायरेक्टली प्लस मेंशन किया. उसका रीजन है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात करें तो जावा के अंदर स्ट्रिंग के साथ ओनली प्लस ऑपरेटर यूज करना पॉसिबल है. वन मोर थिंग, जनरली देखा जाए तो प्लस के केस में मेन पर्पज क्या रहता है आपका परफॉर्मिंग एडिशंस. लेकिन प्लस के थ्रू जावा में स्ट्रिंग को कॉन्किनेट करना भी पॉसिबल है. मीन सिंपल थिंग क्या है, प्लस के केस में अगर फर्स्ट ऑपरेंड न्यूमेरिक है प्लस सेकेंड ऑपरेंड भी न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक मीन्स एनी नंबर मे बी डेसिमल और इंटीजर नंबर, देन इस केस में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ एडिशन. क्लियर है, ऑपरेशन टाइप इज एडिशन. सेम एज अगर प्लस के केस में एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है मे बी फर्स्ट ऑपरेंड मे बी सेकेंड ऑपरेंड, इस केस में फर्स्ट ऑपरेंड स्ट्रिंग है सेकेंड क्या है नंबर, तो रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा इसका स्ट्रिंग, इसे बाद में डिस्क्राइब करूंगा. लेकिन इस प्लेस पर ऑपरेशन कौन सा हुआ कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन नॉट अ एडिशन, के स्ट्रिंग को ऐड करना पॉसिबल नहीं. सेम है फर्स्ट ऑपरेंड नंबर है और एनी प्रिमिटिव, नॉट ओनली नंबर्स एनी प्रिमिटिव मे बी बुलियन और अदर केस. सेकंड ऑपरेंड स्ट्रिंग, रियल्टी किस फॉर्म में आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में. लेकिन इस केस में ऑपरेशन का टाइप क्या हुआ एडिशन और कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन दोनों ही ऑपरेंड स्ट्रिंग है, देन अगेन क्या परफॉर्म हुआ कॉन्केटिनेशन. मीन्स प्लस ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग को यूज करना पॉसिबल है बिकॉज इट इज अ प्री ओवरलोडेड ऑपरेटर इन जावा. जनरली आपको बोला जाता है जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन जावा के केस में प्लस ऑपरेटर ऑलरेडी कैसा प्री ओवरलोडेड. फर्स्ट केस स्ट्रिंग एंड वाइट ऑलरेडी मेंशन किया मैंने, अगर एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है देन ऑलवेज ऑपरेशन कौन सा हुआ कॉन्केटिनेशन प्लस रिजल्ट. कॉन्केटिनेशन के बाद रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. मीन्स यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फर्स्ट ऑपरेंड स्ट्रिंग यूज किया सेकंड ऑपरेंड बाइट, मीन्स स्ट्रिंग फर्स्ट ऑपरेंड भी हो सकता है सेकंड भी, बस में बाइट फर्स्ट ऑपरेंड भी हो सकता है सेकंड भी, ऑर्डर डजंट मैटर. स्ट्रिंग प्लस शॉर्ट रिजल्ट इज स्ट्रिंग प्लस ऑपरेशन कौन सा हुआ एडिशन और कॉन्केटिनेशन ऑलरेडी मैंशन कॉन्केटिनेशन. स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर अगेन रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ केस शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने राइट डाउन किया लाइक ए बी सी एनीथिंग एनक्लोजिंग इन साइड डबल कोट्स नो नथिंग बट स्ट्रिंग देन सम नंबर्स, इसके साथ परफॉर्म क्या हो रहा है कॉन्केटिनेशन. लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट क्या हुआ ए बी सी 10. क्लियर. सेम एज 10 के प्लेस पर अगर मैं कोई कैरेक्टर यूज करता हूँ लाइक स्मॉल ए, तो इसके में परफॉर्म क्या होगा कॉन्केटिनेशन प्लस इसके साथ कॉन्किनेट क्या हो जाएगा स्मॉल ए. देन स्ट्रिंग प्लस इंटीजर रिजल्ट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग प्लस लॉन्ग रिजल्ट इज स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी प्लस 10, 10 बाई डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होगा इंटीजर. लेकिन इसके सुनने अगर एल मेंशन किया देन लॉन्ग, स्पेशली याद रखना लॉन्ग यहाँ क्वालिफायर है. लॉन्ग इट्सेल्फ कभी भी किसी नंबर का, एल कभी भी इट्सेल्फ नंबर का पार्ट नहीं होगा, ये सिंपली 10 का फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है. 10 किस टाइप का वैल्यू है लॉन्ग. लेकिन जब कॉन्केटिनेशन होगा तो इसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा ओनली ए बी सी 10 नॉट अ एल. नेक्स्ट वन स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस डबल, इस पर्टिकुलर केस में अगेन क्या आएगा स्ट्रिंग. मीन्स ऑल ऑफ केसेस अगेन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग प्लस नल, स्ट्रिंग को नल के साथ जब भी आप कॉन्किनेट कराओगे जैसे सी केस बात करें फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रिंग देन नल, इस केस में परफॉर्म क्या होगा कॉन्केटिनेशन प्लस कॉन्केटिनेशन के बाद रिजल्ट क्या आएगा ए बी सी 10 नल, इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर स्ट्रिंग. नेक्स्ट केस इंटीजर एट द रेट नल, एट द रेट नल मीन्स एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, मीन्स ये सभी केस में केस कैसा हुआ इनवैलिड. नल को ओनली स्ट्रिंग के साथ कॉन्क्नेट करना पॉसिबल, किसी भी अदर प्रिमिटिव के साथ कॉन्क्नेट करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर. सेम एज इन नेक्स्ट केस कंपाइल टाइम एरर्स, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग. नेक्स्ट केस में जस्ट डिस्कस करेंगे वन बाई वन,
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे जस्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक स्मॉल टॉपिक डिस्कस करना मुझे, जस्ट लिटरल्स मीन्स अगर आपके पास कोई इंटीजर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज अवेलेबल है तो आप वैल्यूज के बेसिस पर मीन्स वेरिएबल अगर आपके पास अवेलेबल है देन वेरिएबल जस्ट लाइक ए प्लस बी, तो इस केस में तो आपके लिए ए और बी का डेटा टाइप चेक करना पॉसिबल है, बट सपोज दैट वेरिएबल्स के प्लेसेस पर डायरेक्टली कोई वैल्यू अवेलेबल लाइक अ 10 10L और 10.0 लाइक दैट, इस टाइप से कोई वैल्यू अवेलेबल है देन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसका टाइप क्या, तो इससे रिलेटेड मैं सारे सारे रूल डिस्कस करूंगा जस्ट, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा।